विराट कोहली अभी भारतीय टीम के कप्तान हैं और हर कोई टीम में इन्हीं की सुनता है। कहते हैं कि कोहली उसको पसंद नहीं करते हैं जो कोहली की नहीं सुनता। किसी सीरीज या टूर्नामेंट के लिए टीम के सिलेक्शन में भी कप्तान कोहली की ही सुनी जाती है। टीम के कोच अनिल कुंबले से लेकर टीम मैनेजमेंट तक सभी कोहली की ही पहले सुनते हैं। अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम के चयन में भी विराट कोहली के चुने हुए खिलाड़ियों को ही प्राथमिकता दी गई। और इसके पीछे तर्क यही बनता है कि यदि टीम कप्तान के अनुसार नहीं होगी तो टीम के सही प्रदर्शन की उम्मीद कम हो जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि विराट कोहली के चलते तीन ऐसे सीनियर खिलाड़ी जो आईपीएल में अच्छे फॉर्म में होने के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में जगह नहीं बना पाए, और कहा जाता है कि इनको टीम में सिलेक्शन न मिलने की वजह कप्तान कोहली से दुश्मनी भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कोहली से परेशान है। कप्तान कोहली का सबसे बड़ा दुश्मन है गौतम गंभीर। केकेआर टीम के कप्तान गौतम गंभीर से विराट कोहली की कभी नहीं बनी है। कोहली और गंभीर की आईपीएल फाइट के बाद से दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं रहा है। अभी हाल ही में गौतम गंभीर का नाम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उछल रहा था, लेकिन गंभीर का चयन टीम में नहीं हुआ है। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो मालूम नहीं, लेकिन आईपीएल में गंभीर को कोहली से पंगा लेना अब भारी पड़ रहा है। अगर तब गंभीर अपना गुस्सा पी लेते तो शायद आज वह भारतीय टीम के लिए खेल रहे होते। दूसरा वो नाम जो कोहली के दुश्मनों की लिस्ट में आता है वो है रॉबिन उथप्पा। वैसे रॉबिन उथप्पा की कोहली से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गंभीर का अच्छा दोस्त होने के कारण कप्तान कोहली इन्हें भी अपना दुश्मन समझते हैं। हमारी दोस्ती किस तरह के व्यक्ति से है इस बात का असर हमारी तरक्की पर पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त होता है उसी तरह से दोस्त का दुश्मन भी हमारा दुश्मन होता है। रॉबिन उथप्पा को गंभीर से दोस्ती करना अब भारी पड़ रहा है। कोहली को मालूम है कि उथप्पा इस समय फॉर्म में है, लेकिन फिर भी इनको इंडियन टीम से खेलने का मौका नहीं मिला है। तीसरा वो नाम जो कोहली ही नहीं बल्कि धोनी के भी दुश्मन बन चुके हैं वो नाम है सुरेश रैना। सुरेश रैना अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार नहीं है तो उसके पीछे एक कारण इनकी फॉर्म ही नहीं बल्कि इनका आईपीएल में गुजरात लायंस टीम का कप्तान होना भी है। जब तक रैना धोनी की कप्तानी में खेलते थे तब तक सब कुछ सही था, लेकिन जब से रैना गुजरात लायंस के कप्तान बने हैं तब से न तो इनकी धोनी से बनती है और न ही कोहली से। इसलिए शायद अब रैना का भी भारतीय टीम में फिर से आना लगभग मुश्किल लगता है। तो इस तरह से इन सीनियर खिलाड़ियों का टीम में आने वाला रास्ता कांटों भरा है। इनको टीम में आने के लिए अब कड़ी मेहनत के साथ साथ कोहली से अपने रिश्ते सुधारने पर भी जोर देना होगा, वरना अच्छी फॉर्म और मेहनत से कुछ बात बनती हुई अब नजर नहीं आ रही है। ऐसी ही स्पोर्ट्स की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरी दिल्ली YouTube चैनल को।